अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्पेशल विमान एयरफोर्स वन के बारे में तो आप लोग बखूबी जानते हैं। ये वो विमान है जिसका दुश्मन चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये विमान वर्ल्ड लीडर की पहचान बन चुका है और इसी कड़ी में अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी ऐसे एक नहीं बल्कि दो दो सुपर वीआईपी प्लेन बनकर तैयार हो रहे हैं जो आसमान में उनका अभेद्य हवाई किला साबित होंगे। वो दुश्मन की नींद उड़ाकर उड़ता है, वो मिसाइलों को मात देकर उड़ता है, वो उड़ान भरता अभेद्य आसमानी किला है। पीएम मोदी की सुरक्षा का ट्रंप कार्ड है। आ रहा है हिंदुस्तान का एयरफोर्स वन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एयरफोर्स वन की तरह का विमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तैयार हो चुका है। ये बोइंग 777 विमान है जिसे अमेरिका में एक अभेद्य हवाई किले की तरह बदल दिया गया है। यकीनन आपने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इसकी तस्वीरों को देखा होगा। अब इसकी पूरी जानकारी तफसील से जान लीजिए। अमेरिका के टेक्सास के सबसे बड़े शहर डलास में हिंदुस्तान के लिए तैयार हो रहा है एक नहीं दो दो एयरफोर्स वन विमान। दोनों विमानों की कुल कीमत करीब 8,458 करोड़ रुपए है। अभी तक पीएम और राष्ट्रपति एयर इंडिया के बोइंग 747 विमान में सफर कर हैं जिसे एयर इंडिया के पायलट उड़ाते हैं, लेकिन इन दो नए सुपर वीआईपी प्लेन को आने वाले समय में एयर इंडिया नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट उड़ाएंगे। भारत में प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इसका इस्तेमाल करेंगे। पीएम मोदी का एयरफोर्स वन क्यों खास है अब ये भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बने इस बेहद खास हवाई जहाज के अगले हिस्से में ईडब्ल्यू जैमर लगा हुआ है। इसकी वजह से ये विमान ना तो जीपीएस की पकड़ में आएगा ना ही ड्रोन सिग्नल इसे ट्रैक कर पाएगा। ये दुश्मन के रडार का सिग्नल जाम कर देता है जिसकी वजह से इसके ऊपर मिसाइल भी फायर किया जाए तो उसको टारगेट नहीं मिल पाता। इस जैमर को मिसाइल की जानकारी देता है। विमान के पिछले हिस्से में लगा मिसाइल अप्रोच सिस्टम जैसे ही इसके ऊपर कोई मिसाइल फायर होती है ये फौरन अलर्ट कर देता है। इसके साथ ही ये मिसाइल कितनी दूर है, कितनी स्पीड से आ रही है और कितनी ऊंचाई पर ही इसकी जानकारी भी दे देता है। मिसाइलों को भटकाने के लिए इसमें स्पेशल फ्लेयर्स भी लगे हुए हैं जो हिट सिंक मिसाइलों यानी तापमान के मुताबिक टारगेट को पहचान कर हमला करने वाली मिसाइलों को भ्रम में डालकर उनकी दिशा बदल सकता है। आधुनिक मिसाइलें जो कि इंफ्रारेड नेविगेशन सिस्टम से चलती हैं, उसके सिस्टम को जाम करने के लिए इसमें मिरर बॉल सिस्टम टेक्नोलॉजी भी है जिसकी वजह से ऐसी मिसाइलें इस खास विमान के पास आने से पहले ही नाकाम हो जाएंगी। इतना ही नहीं इसमें अल्ट्रा मॉडर्न और सेफ्टी सिक्योरिटी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगा है। इसके जरिए कभी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में बातचीत की जा सकती है। बेहद सुरक्षित होने की वजह से इस सिस्टम से होने वाली बातचीत को टेप नहीं किया जा सकता। अभी तक एयरफोर्स वन विमान अमेरिकी राष्ट्रपति पद और उनकी सत्ता का एक प्रमुख प्रतीक रहा है, लेकिन अब इस प्रतीक में हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री पद की शान भी जुड़ जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद पीएम मोदी दूसरे वर्ल्ड लीडर हैं जो सुपर स्पेशल विमान एयरफोर्स वन में सफर करेंगे। हिंदुस्तान के लिए बने दो एयरफोर्स वन विमान में से एक बनकर तैयार भी हो चुका है। ये माना जा रहा है कि इसी महीने के आखिर तक इसकी डिलीवरी हमें मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जी हाँ, तो ट्रंप के एयरफोर्स वन की तरह, अमेरिका के एयरफोर्स वन की तरह ये विमान भी होगा। विमान की जो ये विमान है एयरफोर्स वन, उसी की तरह जिस तरह की सुविधाएं उसमें हैं, उसी तरह की सुविधाओं से लैस ये विमान भी होगा, जिसकी औसत रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अधिकतम रफ्तार की बात करें तो 1013 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एक बार में ये 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है, बिना रुके भारत से अमेरिका जा सकता है ये एयरफोर्स वन। आसमान में ईंधन भरने की क्षमता इसे बेहद खास बनाती है। एक घंटे की उड़ान पर 1,30,00,000 रुपए का खर्च इसमें आएगा। औसतन 35,000 फुट और अधिकतम 45,000 फुट ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। तो ये इसकी खासियत थी।